पुलिस खुद हेलमेट पहन के नहीं चलाती है बाइक। वाह यार मस्त स्मेल आ रहा है पाव भाजी का। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग हैं, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं जा रहा था अभी पेट्रोल ऐड करने के लिए अपने बाइक में, तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं, बहुत दिन से डेली ऑब्जर्वेशन नहीं किया है तो डेली ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा राइट। और यहाँ पे इसी रुका था थोड़ा टाइम के लिए, तो बारिश आ रहा था। चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल है हम लोग थाने में और आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना फ़न भी हो जाएगा, थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, तो इसीलिए। और कल शायद से हम लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, मतलब चांसेस है लाइव स्ट्रीम, लेट्स सी, देखते हैं। तो भी आज अच्छा है, बारिश कम है, तो हम लोग बाइक के साथ थोड़ा घूमने के लिए भी निकले थे, बहुत दिन से मतलब बाइक को घुमाया नहीं है इतना, ऐसा घूमने के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बहुत बार निकले, आज सिर्फ हम लोग घूमने के मूड में हैं, तो जो फन है वो करेंगे क्यों नहीं। बहुत ही ज़्यादा विंडी वेदर है, ये देखो दोनों भी बिना हेलमेट के है यार, मतलब दो हेलमेट का रूल बना है, एक हेलमेट लोग पहनते नहीं है, क्या बोल सकते हैं अभी, सोचो दो हेलमेट का रूल बना बट एक हेलमेट लोग पहनने के लिए रेडी नहीं है, दो हेलमेट कैसे पहनेंगे लोग। ये देखो भाई अपने ही धुन में एकदम से स्पीड में टर्न लेके आया, पता नहीं आपको दिखा नहीं दिखा। बारिश नहीं आ रहा है बट थोड़ा बहुत, मतलब बोलते ना कि जो बीच में ही रुका दिया। ये देखो ये रॉन्ग में आ रहा है, कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। एक टाइम था जब हम लोग मतलब लद्दाख जा रहे थे ना, तो लद्दाख जाने के टाइम पे मतलब ऐसा चीज़ था भाई यार बीच में कूदने का क्या ज़रूरत है। जब हम लोग लद्दाख जा रहे थे तभी हम लोग मतलब ऑलवेज़ हम लोग इंडिया में मतलब मुंबई में रह के मुंबई की ट्रैफिक को मतलब गाली देते रहते हैं, यार मुंबई के लोग ऐसे हैं, मुंबई के लोग वैसे हैं, ऐसा क्यों है। ये देखो अभी बीच में इधर, तो वो सिचुएशन है। बट हम लोग जब मुंबई को छोड़ के गए, यहाँ से बाहर निकले, अहमदाबाद में ट्रैफिक के चलाया, जयपुर के ट्रैफिक में चलाया हम लोगों ने, उतना ही नहीं हम लोगों ने मतलब फिर मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह पे चलाया। क्या हो गया भाई, इसका गाड़ी बंद हो गया क्या? तो बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने चलाया, और उस बेस के एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को मतलब बोलूँगा कि फिर भी मुंबई का ट्रैफिक लाइक ऐसा है कि जिसको आप लोग झेल सकते हो, ट्रस्ट में। और बाहर कहीं पर जाओगे ना मुंबई को छोड़ के, तो आप लोग रियली रिग्रेट फील करोगे, ट्रस्ट में। ऐसा अभी क्या पता बट ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सब जगह पे हम लोगों ने चलाया था ना, उस बेस पे नॉर्मली बोलेंगे मुंबई का ट्रैफिक फिर भी अच्छा है ऐसा है। हेलमेट थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, कुछ के कुछ दिख नहीं रहा। और सिटी में चला रहे ना, तो लाइक माइलेज आप लोगों को यहाँ पर बता दूँगा, देखो 27 KMPL का माइलेज बता रहा है सिटी में, जो नॉर्मल स्पीड पे हम लोग चलाते हैं उसमें। अब इसके अंदर तो और भी कम बता रहा है, 26। तो भी ना इसको थोड़ा रिसेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे ना पेट्रोल ऐड करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि कितना है। हाँ वैसे सिटी ट्रैफिक में तो बाइक बहुत ही स्लो चलता है डेफिनेटली, और उसमें फिर उसके हिसाब से माइलेज भी कम मिलता है, साथ में अपना जो
क्या बोलते हैं गियर्स और ये सब भी थोड़े से हार्ड शिफ्ट होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे मौसम आज बहुत अच्छा है, ज़्यादा बारिश नहीं है और ऊपर से क्लाउड से कवर है, तो चीज़ ऐसा है कि ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा और उसके वजह से मतलब वेदर एकदम से मतलब कूल, ज़्यादा कूल भी नहीं है और ज़्यादा हॉट भी नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे में एक अगर मतलब राइड करने निकल जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी ये देखो यहाँ पे कभी कभी रिक्शा वाले लोग चला नहीं पाते और जानबूझ के ना जानबूझ के नंबर वन लेन पे आ जाते हैं। अभी कैसा है ना, यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट सब हेलमेट पहन के दिखेंगे क्योंकि ये ऐसा है सिग्नल वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा पुलिस रहता है, तो पुलिस से बचने के लिए ऑलवेज लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं, बट कुछ लोग आगे जाके निकाल देंगे हेलमेट विच इज़ नॉट गुड। आज अच्छा है, बहुत ही कम ट्रैफिक मिल रहा है पता, नहीं तो नॉर्मली जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अरे बाप रे क्या ट्रैफिक होता है यहाँ पे। ये देखो डबल लेन पार्किंग, अभी क्या है ना पार्किंग का ये भी बंद हो गया ना, तो टोचन वाला, तो जिसके वजह से सब लोग कैसे भी ये पार्क करते हैं। पुलिस खुद हेलमेट पहन के नहीं चलाती है बाइक, फिर बाकी किस पे बोलेंगे तुम लोग, दो हेलमेट सोचो, एक हेलमेट नहीं पहना और बोलेंगे थोड़े से के लिए क्या पहनना। ओह माय गुडनेस, ट्रैफिक यहाँ से पूरा आगे तक है, डोंट टेल मी दैट। ये पुलिस पकड़ेगा देखो ये ट्रक वाले को, रीज़न ये है कि वो बीच में पूरा बड़ा ट्रक उसने वो भी उल्टा लगा है। बोला था ना गलत उल्टा लेके आया यार, मतलब इतना बड़ा ट्रक क्या बोलेगा अभी यार, थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस होना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छा है कि सिग्नल किसी ने तोड़ा नहीं, शायद से पुलिस रहेगा, नहीं तो यहाँ पे हर बार सिग्नल टूटता है। और थोड़ा सा मतलब पीछे रुकाना चाहिए ना, क्योंकि रीज़न ये है कि फिर दूसरे व्हीकल जो आते हैं वो कैसे जाएंगे, पेडेस्ट्रियन रोड कैसे क्रॉस करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। वाव यार मस्त स्मेल आ रहा है पाव भाजी का, अभी भूख लग गया पाव भाजी का स्मेल से भूख लग गया रे। चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो पापा जी खाना नहीं है। अरे पूरा का पूरा पेट्रोल की वजह से यार, ये ओनर जाके पड़क गया चलिए मैं पेट्रोल भर लेता हूँ, आई थिंक सो प्राइस है 106.30। तो पेट्रोल भर के हो गया, टोटल हुआ 706। बट इट्स ओके बिकॉज वी नीड इट। अड्डी अड्डी इतने से अकेले इसको इतना खाई था। अभी क्या ना मतलब अभी तक एकदम छाव जैसा था, अभी सडनली धूप आ गया ना, तो उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि मतलब
आंखें चौंधिया रही है, दिख ही नहीं रहा आगे क्या चीज़ है ऐसा। तो वाइज़र अगर नीचे कर देंगे ब्लैक वाला तो काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे सिचुएशन में। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कुछ अगर मज़ेदार चीज़ें दिखी रहेंगी वीडियो में सो शायद से मैंने नोटिस किया, नहीं किया नीचे कमेंट कर देना, और आप लोग क्या बोलते हो ये भी नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय, गुड लक, स्टे सेफ, बी सेफ, राइड सेफ।